Welcome to another video of ISL Transfer Market. And if you are new to the channel, please make sure that you subscribe the channel and also press on the bell icon. तो आज की पहली न्यूज़ है FC Goa फैंस के लिए. तो जैसे कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि मनोलो मार्केस काफ़ी ज़्यादा क्लोज है FC Goa के लिए साइन करने के लिए. तो अभी एक कन्फर्म न्यूज़ आ चुकी है कि मनोलो ने FC Goa को साइन कर लिया है और वो नेक्स्ट सीज़न FC Goa को मैनेज करेंगे. वो सुपर कप में तो FC Goa को मैनेज नहीं करेंगे, वो सुपर कप में हैदराबाद FC को ही मैनेज करेंगे. सुपर कप के बाद नेक्स्ट ISL सीज़न से मनोलो मार्केस FC Goa को मैनेज करेंगे. अगली बड़ी न्यूज़ है इंडिया वर्सेस किर्गिस्तान के कल के मैच के लिए. तो जैसा कि इगोश टीमेक ने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मनवीर सिंह इंजर्ड हो गए हैं और वो कल का मैच नहीं खेल पाएंगे, तो उनके जगह अब टीम में जगह लिया है सहल अब्दुल समद ने, और सहल अब्दुल समद कल के मैच के सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हैं. अगली बड़ी न्यूज़ है ईस्ट बंगाल FC के मैनेजर से रिलेटेड. तो ईस्ट बंगाल FC ने 5 मैनेजर्स को शॉर्टलिस्ट किया है, जिसमें से पहले एंटोनियो लोफेस अब्बास, सेकेंड है फॉर्मर FC Goa एंड मुंबई सिटी FC मैनेजर सर्जियो लोबेरा, और तीसरे हैं करंट चेन्नई FC मैनेजर थॉमस ब्रेडरिक, और फोर्थ है स्टीव कोपल, जिन्होंने प्रीवियसली ATK, केरला ब्लास्टर्स और जमशेदपुर FC को मैनेज किया है, और फिफ्थ है फ्रांसिस्को मोलिना, जिन्होंने प्रीवियसली ATK को मैनेज किया है. सो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, एंटोनियो लोफेस अब्बास एंड सर्जियो लोबेरा आर लीडिंग द रेस टू बिकम द नेक्स्ट ईस्ट बंगाल FC मैनेजर. अगली अपडेट है ईशान पंडिता से रिलेटेड. ईशान पंडिता जो कि अभी फ्री एजेंट हो जाएंगे आफ्टर द सुपर कप. सो अकॉर्डिंग टू मार्केस, ईशान पंडिता ने किसी भी क्लब के लिए साइन नहीं किया है, हालांकि काफ़ी क्लब्स इंटरेस्टेड है उन्हें साइन करने में, देखते हो किस क्लब को ज्वाइन करते हैं. अगली न्यूज़ है चेन्नई FC फैंस के लिए. सो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, चेन्नई FC ने साइन इन कम्प्लीट कर लिया है 25-year-old राइट बैक गौ हैंग सिंह का. गौ करंटली चर्चिल ब्रदर्स FC के लिए खेलते हैं, जिन्होंने इस सीज़न आई लीग में 21 अपीयरेंसेस किया है और एक गोल भी स्कोर किया है अपनी टीम के लिए. ये काफ़ी अच्छी साइनिंग होगी चेन्नई FC के लिए. और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें.